संपूर्ण देश में लॉकडाउन को 15 दिन पूरे हो चुके हैं। 15वें दिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के क्या सूरत हाल है वो हम आपको दिखाते हैं। हम भोपाल के सबसे व्यस्त रोशनपुरा चौराहे पे मौजूद हैं। आमतौर पर इस चौराहे पे गाड़ियों की बड़ी भीड़ रहती है, रिलमपेल रहती है, लेकिन अभी आप देखें तो पूरा चौराहा खाली पड़ा है। बैरिकेडिंग यहाँ पे कर दी गई है क्योंकि यही चौराहे से होकर के पुराने शहर की ओर गाड़ियां जाती है भोपाल में। तो ऐसे में यहाँ पे जो लोग निकल रहे हैं वो एक तरीके से नए शहर का ये आखिरी पिकेट है, उसके बाद पुराने शहर की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पे लोगों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है कि वो बाहर निकले हैं तो उनके बाहर निकलने की क्या वजह है। उनका कर्फ्यू पास जो है वो भी देखा जा रहा है, उसके बाद ही उन्हें आगे जाने दिया जा रहा है। तो ये जो पुलिस पिकेट है रोशनपुरा चौराहे पे, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस सुनसान सड़क की ये तस्वीर जो है साफ बयां कर रही है कि जिस सड़कों पे गाड़ियों की भीड़ रहती थी फिलहाल वहां पे अब पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा पड़ा है। भोपाल की अगर हम बात करते हैं तो भोपाल में कोरोना भी जो है वो बहुत तेजी से फैला है और इसलिए यहाँ सख्ती थोड़ी ज्यादा की जा रही है, क्योंकि बीते 3 दिनों में ही भोपाल में कोरोना पीड़ितों की संख्या अचानक से बढ़ी है और इसमें सबसे ज्यादा संख्या जो है वो स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों की है। इसीलिए भोपाल में सख्ती जो है वो लॉकडाउन को और ज्यादा कहीं ना कहीं बनाया गया है और इसी वजह से तस्वीरें जो है वो साफ इशारा कर रही है कि किस तरीके से लॉकडाउन का सख्ती से पालन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में करवाया जा रहा है। कैमरामैन साजिद आलम के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल।